Here's, as we can see, now हमारे पास तीन सी है जिसमें नासिक और फराज हैं। हम इनका ब्रिज देख सकते हैं, it's an innovative design और इसके अंदर as हम देख सकते हैं कि it's more like a suspension bridge। इसके अंदर for suspension इन्होंने इधर rubber bands इस्तेमाल किए हुए हैं और इन्होंने दोनों pillars को इधर एक rope as a rope के उससे जोड़ा हुआ है। तो नासिक आप बताएंगे कि आपको तीन सी, आपका क्या ख्याल है कि आपका ब्रिज कामयाब होगा? इंशाल्लाह होगा, दुआ है। और अराउंड टू से थ्री के जी तक आई थिंक ये ट्राई कर सकते हैं। 10 लेट्स 3 kg के ऊपर काम कर रहा है। आप मुझे ये बताइए इसका अपना वेट क्या है? 142 ग्राम। ये 142 ग्राम का है और इसकी लेंथ 14 इंचेस है और इसकी विड्थ है 4 इंचेस, इसकी हाइट अराउंड 5 इंचेस। चले लेट्स सी कि आपका ब्रिज इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी कितना कामयाब है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं 0.5 kg। अब हम इसके अंदर 1 kg ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं कि एज ए सस्पेंशन ये जो ब्रिज है ये अपनी सस्पेंशन की वजह से यहाँ तक पहुंच गया है, वरना हमने देखा था कि प्रीवियस ब्रिज इस पॉइंट पे आके टूट जाते थे। चले अब हम इसके अंदर और भी ट्राई करते हैं। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। बैटरी अब हम इसके अंदर 2.5 kg की बैटरी ऐड करते हैं। नीचे हाथ रखें, छोड़ दो। आप प्लीज बताइए कि इस ब्रिज के जल्दी टूटने क्या कुछ आपको क्या क्या फॉल्ट होगी? बेसिकली इसके जो पायलॉन्स है ना ये बहुत वीक थे क्योंकि इसके अंदर इतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि बार बार अब देखे तो फ्लेक्सिबल है लकड़ी के साथ ना, ये सही तरह से फर्मली हिल नहीं था और इसकी बेस हमें और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए थी यहाँ से ताकि ये लकड़ी इतना फ्लेक्सिबल ना होती, वरना फिर और वेट भी करना। आपका क्या तो व्यूज आपने देखा कि टीम सी का जो ब्रिज है वो 2.5 kg पे कोलैप्स कर गया था। इंशाल्लाह इफ दे बिल्ड इट नेक्स्ट टाइम जी दे विल डू बेटर।